हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सैन समाज के लोगों ने रैली निकाल सौंपा ज्ञापन। जोधपुर जिले के भोपालगढ़ उपखंड क्षेत्र के बिरानी गांव निवासी एक व्यक्ति की फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा ऋण की बकाया किश्तें चुकाने को लेकर बार बार धमकाए जाने के बाद रक्तचाप बढ़ने से हुई कथित मौत के मामले में सैन समाज के लोगों ने रैली निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की मांग की। सैन समाज क्षेत्र भोपालगढ़ के अध्यक्ष सेवानिवृत्त उप निरीक्षक नैनाराम सेन ने बताया कि बिरानी गांव निवासी रामरतन पुत्र स्व पुखराज सेन की फाइनेंस कंपनी के मकान लोन की शेष किश्त की राशि समय पर नहीं भरने पर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा धमकियां देने पर तथा उसके घर पर ताला लगाने पर सदमे से मौत हो गई थी। इसके बाद में कंपनी और उनके कर्मचारियों के विरुद्ध भोपालगढ़ पुलिस थाना में मामला भी दर्ज करवाया गया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं पीड़ित परिवार को भी अभी तक किसी प्रकार की आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं हुई है। पीड़ित परिवार में कमाने वाला मृतक अकेला ही था। उसके पीछे परिवार में दादी, माता, पत्नी और 3 छोटी बच्चियां हैं। ज्ञापन में पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने और मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इससे पहले सभी लोग महावीर उद्यान एकत्रित हुए और रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।